फ्रेंड्स, आज का संयोग कई सौ सालों पर आया है। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी का दिन महाशिवरात्रि का संयोग है। भगवान शंकर का आप दर्शन कर रहे हैं। यह मंदिर काशी के तिलभांडेश्वर यानी दशाश्वमेध घाट वाराणसी के समीप। यहाँ आने का सुगम रास्ता गदौलिया चौराहे से दक्षिण सोनारपुर चौराहे की मध्य में दाहिने तरफ गली में यह स्थित है। यहाँ का स्थान तिलभांडेश्वर स्थान से ख्याति लब्ध है। यह बाबा का स्वरूप जब प्रकट हुआ था तब यह नीचे था। अब प्रतिदिन तिल तिल बढ़ते हुए यह छत तक पहुँच चुका है। इस दुर्लभ मूर्ति की निरंतर रिसर्च चल रही है। देखें फ्रेंड्स, ये काशी का तिल भांडेश्वर मंदिर आप देख रहे हैं। हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब मुख्य द्वार से अंदर की तरफ बहुत ही महात्मा है काशी में, तिल भांडेश्वर महादेव का। महाशिवरात्रि पर बाबा तिल भांडेश्वर, बाबा तिल तिल बढ़ते रहते हैं। आप दर्शन करेंगे अंदर। विवर साहब, बाबा तिल भांडेश्वर का दर्शन कर रहे हैं। बाबा तिल भांडेश्वर महादेव आप दर्शन कर रहे हैं। बाबा तिल भंडेश्वर महादेव का शिवरात्रि के दिन। क्या नाम है महाराज जी आपका? जी, हमारा नाम विनय शुक्ला है। हम प्रयागराज के रहने वाले हैं। इस मंदिर में करीब 4 साल से हम यहाँ पूजा करते हैं। अच्छा। तो तिल भंडेश्वर जी का क्या महात्मा है आप बताएं? जी, बताया जाता है गुरु जी लोग के माध्यम से हम लोग को बताया गया है। श्री बाबा तिल भंडेश्वर जी हमारे प्रतिदिन एक तिल बढ़ते हैं। इनका एक महात्मा है और जो भी इनका दर्शन पूजन करता है उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बाबा तिल भांडेश्वर प्रतिदिन तिल तिल बढ़ते हैं। हाँ, प्रतिदिन तिल तिल बढ़ते हैं। ऐसा है कि साउथ के एक महर्षि भांडेश्वर ऋषि जी आए थे। वो यहाँ पर आए तो तपस्या करने के लिए आए थे। काशी है, आनंद वन था, यहाँ पर तपस्या करने के लिए आए। उन्होंने किसानों से, यहाँ पहले तिल की खेती हुआ करती थी, किसानों से कहे वो कि यहाँ पे एक प्राचीन, अति प्राचीन जो पुराणों में यहाँ पे वर्णन है, तिल भांडेश्वर दशाश्वमेधमेव च गंगा सागर संयोगे संगमे इति स्मृतः। पुराण में कहा गया है यहाँ पे प्राचीन, अति प्राचीन शिवलिंग है। तो किसानों ने पुराई किया तो शिवलिंग सच में निकला। तो वहाँ पे उनको ऋषि जी का बहुत ही ज्यादा वो किए सम्मान पूजन करे। बोले महाराज आप यहीं पे रहिए सब दिन। वो रहने लगे और बताए सबसे कि यह शिवलिंग प्रतिदिन एक दिन बढ़ेगा, एक दिन बढ़ेगा। तो सबके मन में ऐसा हुआ कलयुग में तब कैसे पूजन होगा, इनका छाया इत्यादि कैसे लगाया जाएगा। तो वो बताए कि इनका अगर नारियल के जटा से इनका रगड़ करते रहेंगे यह कम भी होते रहेंगे। तो ऐसा महत्व बताया गया, वो भांडेश्वर ऋषि जी बताया। फिर वो समाधि होकर उनके नाम से एक शिवलिंग स्थापित कराया गया भांडेश्वर महादेव जी के नाम से। उनका दर्शन पूजन करने से पितृदोष और बाधाएँ दूर हो गई, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बाबा का ऐसा महिमा है कि यदि किसी के शरीर में किसी प्रकार का क्लेश या रोग अगर उत्पीड़न है तो वह डाब से रुदे का पाठ करवाए, डाब के जल से वह रोग निवारण दूर हो जाता है, ऐसा महात्मा बताया जाता है। तो ये काशी में तिल भांडेश्वर महादेव आज शिवरात्रि के दिन जो है विशेष महत्व है पूजन का। देखिए, संपूर्ण काशी को जो है मोक्षदायिनी कहा जाता है, व्यक्तिगत किसी को नहीं बताया गया है, संपूर्ण काशी को कहा गया है। तो संपूर्ण काशी में बताया जाता है कि दशाश्वमेध स्नान करने से, मणिकर्णिका घाट से जो पार्थिव फल चलने से, विश्वनाथ महादेव जी का दर्शन करने से हुआ रक्षा करने, विश्व के जगत के दाता है, वो विश्व का कल्याण करने वाले हैं। और बाबा श्री तिल भांडेश्वर महादेव जी का पूजन अर्चन करने से और काशी में वास करने से, ऐसा करने से तब मुक्ति प्राप्त होती है।